इंडिया के ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर 19 मई 2016 को रिकॉर्ड किया गया था फलोडी राजस्थान में, जिसमें टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लेकिन 29 मई 2024 को राजधानी दिल्ली में हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर 52.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पहली बार दिल्ली में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार किया है। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, देश भर में हीट वेव्स की वार्निंग दी जा रही है। यहाँ तक कि केरला जैसी जगहों पर भी दी गई है, जहाँ आमतौर पर हीट वेव रिकॉर्ड नहीं होती है। एक मेन रीजन इसके पीछे है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण हो सकते हैं? तो जवाब है नहीं। इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि हम साइंटिफिकली जानने की कोशिश करेंगे कि इस बढ़ते टेम्परेचर के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, और क्या वाकई में दिल्ली का टेम्परेचर 52.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोशियस चैनल में। आप में से कई लोग जानते होंगे कि धरती की टिल्टेड एक्सिस के कारण सीजन्स बनती हैं, और सूरज के चारों ओर इसकी ऑर्बिटल रिवोल्यूशन के कारण सीजन्स चेंज होती हैं। थ्रू आउट द ईयर अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं। जब नॉर्थ पोल सूरज की ओर टिल्ट होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, और जब साउथ पोल सूरज की ओर टिल्ट होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होती है। और अगर मैं इंडिया में पीक समर्स में एवरेज टेम्परेचर की बात करूं, तो प्लेन्स में ये 23 से 36 डिग्री सेल्सियस, कोस्टल एरियाज में 24 से 30 डिग्री सेल्सियस, और हिली रीजियंस में 7 से 18 डिग्री सेल्सियस, और कुछ एरियाज में 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो हीट वेव्स होता क्या है? हीट वेव्स एक लंबे पीरियड तक एबनॉर्मल और एक्सेसिव हॉट वेदर को कहते हैं, जिससे ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी में असर पड़ता है। हीट वेव को आमतौर पर उस एरिया के यूजुअल क्लाइमेट और सीजन के नॉर्मल टेम्परेचर के रिलेटिव मेजर किया जाता है, और इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने हीट वेव को डिक्लेयर करने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया अपनाया है वो ये है कि अगर प्लेन एरियाज में टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर हो जाता है, हिली रीजियंस में टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर हो जाता है, और कोस्टल एरिया में टेम्परेचर 37 डिग्री के ऊपर हो जाता है, और इसके अलावा अगर दो कंसेक्यूटिव डेज तक टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल रहता है, तब हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन अगर दो कंसेक्यूटिव दिनों तक टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल हो जाता है, तो सीवियर हीट वेव डिक्लेयर की जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर क्रॉस करता है, तो बिना किसी कंडीशन के हीट वेव वैसे ही डिक्लेयर कर दी जाती है। हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए दुनिया भर में अलग अलग थ्रेशोल्ड या बेंचमार्क्स को यूज किया जाता है। कुछ देशों में इसे हीट इंडेक्स के आधार पर कंसिडर किया जाता है, जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन है। तो हीट इंडेक्स भी एक यूजफुल मेट्रिक है हीट वेव को मेजर करने के लिए, क्योंकि अगर आपने कभी नोटिस किया हो, मई के महीने में दिल्ली में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को टॉलरेट करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू कोस्टल एरिया जैसे मुंबई में 38 डिग्री सेल्सियस को टॉलरेट करना। मुंबई में 38 डिग्री जनरली अनबियरेबल लगता है दिल्ली के 45 डिग्री के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों है? ऐसा है ह्यूमिडिटी की वजह से। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है हवा में, उतना ज्यादा गर्म टेम्परेचर को टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी होती क्या चीज है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हवा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। और बात यह है कि हवा जितनी ज्यादा गर्म होती है, उतनी ही ज्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है मॉइस्चर होल्ड करने में। गर्म हवा में ज्यादा मॉइस्चर होल्ड किया जा सकता है एज कम्पेयर टू ठंडी हवा में। इसका मतलब है कि अगर ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, तो गर्म हवा में ज्यादा मॉइस्चर होगा, और जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती है, उतना ही मुश्किल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए पसीने को एवोपरेट करने के लिए। और पसीना आना, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का नंबर वन तरीका है हमारे शरीर को ठंडा रखने का। अगर हवा में बहुत ही ज्यादा गर्मी है और बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो हमारी बॉडी अपने आप को ठंडा रख नहीं पाएगी, यानी कि ये बहुत ही जानलेवा हो सकता है। इसी रीजन से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। और एक मेट्रिक जो इन दोनों चीजों को एक साथ कंसिडर करता है वो है हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स हमें बताता है कि एक्चुअली जो गर्मी है बाहर, वो कितनी गर्म फील हो रही है हमारी बॉडी को। फोन की वेदर ऐप में आप अक्सर देखते होंगे जैसे टेम्परेचर दिख रहा है 34 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस। इस इंडिकेटर को हीट इंडेक्स भी कह सकते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर्स के लेवल और अलग अलग रिलेटिव ह्यूमिडिटी और उनके करस्पॉन्डिंग हीट इंडेक्स। अगर 36 डिग्री के टेम्परेचर पर 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो आपको 43 डिग्री का टेम्परेचर जैसे फील होगा। लेकिन इसी टेम्परेचर पर अगर 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंच जाती है,
तो फीलिंग आएगी 54 डिग्री सेल्सियस जितने खतरनाक टेम्परेचर की। और ये रेड कलर की कैटेगरी इंडिकेट करता है एक्सट्रीम डेंजर को, यानी इस हीट इंडेक्स पर आपको एक हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक होने की बहुत ही हाई चांस है। हीट वेव इतनी खतरनाक और जानलेवा होने के पीछे का रीजन ये है कि लोग अक्सर टेम्परेचर को देखकर कहते हैं कि टेम्परेचर तो सिर्फ 38 या 40 दिखा रहा है तो इतनी भी गर्मी नहीं होगी, लेकिन उन्हें हीट इंडेक्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हो सकता है टेम्परेचर 38 दिखा रहा हो, लेकिन 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से हम हीट इंडेक्स में देख सकते हैं कि 55 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर है, और ये वाकई जानलेवा हो सकता है। सिमिलरली इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वार्म नाइट भी डिक्लेयर कर सकते हैं जब रात के समय में टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप नहीं होती है तब, और टेम्परेचर अनयूजुअली ज़्यादा रहता है कंपेयर टू जो नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। यदि रात के मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा गर्म रहता है तो ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट देगा नेक्स्ट डे के मैक्सिमम टेम्परेचर पर, जो हीट वेव को और बढ़ा सकती है। वार्म नाइट्स हीट स्ट्रेस को बढ़ा सकती है, जिससे लोगों, जानवरों और एनवायरनमेंट के लिए दिन की गर्मी से उभरना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी वार्म नाइट भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है हीट वेव्स पर। और इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार वार्म नाइट तब डिक्लेयर की जाती है जब मैक्सिमम टेम्परेचर एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए और जब मिनिमम टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है, और अगर मिनिमम टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है तब वेरी वार्म नाइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अभी तक हमने बात की कि हीट वेव्स होते क्या हैं और ये कितने डेंजरस हो सकते हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम जानेंगे कि हीट वेव्स कैसे फॉर्म होते हैं। हीट वेव्स तब फॉर्म होते हैं जब 10,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और कई दिनों और कई हफ्तों तक एक ही इलाके पर बना रहता है। सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में वेदर पैटर्न्स में चेंजेस आमतौर पर धीमी गति से होता है, इसलिए ये अपर लेवल का हाई प्रेशर भी स्लोली मूव करता है, और अंडर हाई प्रेशर हवा सरफेस की ओर नीचे आती है और ये कंप्रेस होकर इसका टेम्परेचर और बढ़ जाता है, जिसके कारण हवा में मौजूद मॉइस्चर खत्म हो जाती है। इसे एडियाबेटिक वार्मिंग कहते हैं। ये कन्वेक्शन को रोकता है और क्लाउड फॉर्मेशन रुक जाता है। बादलों की कमी से सूरज से सरफेस तक पहुंचने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन बढ़ जाती है। सरफेस पर लो प्रेशर का एरिया लोअर लैटिट्यूड से सरफेस विंड को लाता है, जो गर्म हवा लाती है जिससे गर्मी बढ़ती है, यानी कि हीट अर्थ के सरफेस पर ट्रैप हो जाती है। हीट वेव्स का इकोनॉमी पर असर पड़ता है। वे लेबर प्रोडक्टिविटी को कम कर सकती है, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को डिस्टर्ब कर सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा सकती है। पास्ट में सीवियर हीट वेव्स के कारण कैटास्ट्रोफिक क्रॉप फेलियर्स हुई हैं और हाइपरथर्मिया से हजारों लोगों की मौत हो गई है। हीट वेव को एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट के रूप में गिना जाता है, इसलिए हीट वेव से हमें एक्सट्रीमली कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। और अगर बात करें दिल्ली के हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर 52.9 डिग्री सेल्सियस की, तो IMD ऑफिशियल्स इसकी जांच कर रहे हैं कि कहीं सेंसर में एरर या लोकल फैक्टर्स की वजह से इतना हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया हो। लेकिन दोस्तों, जब भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से हीट वेव्स की वार्निंग मिलती है तो उनके गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करें और अपना सेहत का ध्यान जरूर रखें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।